एक गांव में कांचा नाम का आदमी रहता है। उसकी पत्नी आधी रात होते ही चुड़ैल बन जाती है। कांचा जी, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अरे भगवान, क्यों मजाक कर रही हो? डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। कृपा करके मुझे डराओ मत, बाहर आ जाओ ना चमेली जी। अरे कांचा जी, आज रात मैं आपको भी भूत बनाकर ही रहूंगी। अरे मर गया रे, लगता है ये कमबख्त तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? चमेली जी मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, बस बस मुझे भूत मत बनाओ। वहीं रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर कांचा डर के मारे अपने पलंग के नीचे छुप जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या होगा? हाय रे, मुझे भूत नहीं बनना, हाय हाय मर गए रे। फिर वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और उसे ढूंढने लगती है। उसके पैर उल्टे हो चुके होते हैं। ये सब देखकर कांचा की हालत खराब हो जाती है। वह चुपचाप पलंग के नीचे छुपा रहता है। फिर वह चुड़ैल आगे निकल जाती है और घर से बाहर चली जाती है। फिर डर के मारे कांचा रात भर वहीं छुपा रहता है। इसी तरह दिन निकल आता है। फिर कांचा पलंग के नीचे से बाहर निकल आता है। अरे बच गया रे, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो वह चुड़ैल मुझे ढूंढ नहीं पाई। तभी चमेली वापस घर आ जाती है। कांचा उसे देखकर डर जाता है। अजी क्या हुआ, मुझे देखकर आपकी सिट्टी मिट्टी गुल क्यों हो गई है? आप डर तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई चुड़ैल देख ली। लगता है दिन होते ही चुड़ैल का साया इस पर से हट गया है। कुछ नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ, ऐसे ही बस रात भर सो नहीं पाया ना, इसीलिए थोड़ी सी थकावट हो गई है बस। फिर कांचा भाग कर गोपाल के घर जाता है। गोपाल भाई, अनर्थ हो गया है, मेरी पत्नी पर तो चुड़ैल का साया है भाई, बस आधी रात होते ही चुड़ैल में बदल गई और मुझे भी भूत बनाना चाहती थी। मैंने किसी तरह रात भर पलंग के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई है, तुम मेरी मदद करो, आज रात होते ही वह फिर से चुड़ैल में बदल जाएगी भाई। ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे घर पर ही रहूंगा, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। फिर गोपाल कांचा के घर आ जाता है। कांचा की नजर बार बार घड़ी की तरफ ही जाती है। गोपाल भाई, रात के 12 बजने ही वाले हैं भाई, जल्दी बताओ क्या तरकीब है, नहीं तो एक बार तुम्हारी भाभी चुड़ैल बन गई तो हम इसे काबू नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे पास कोई तरकीब नहीं है। तो कमबख्त यहाँ पर क्या अंडे लेने आया है? मूर्ख, कोई तरकीब तो बना के रखनी चाहिए थी ना। अरे भाई कांचा, नाराज मत हो, चलो एक काम करते हैं, भाभी को उस कुर्सी से बांध देते हैं, अगर वह चुड़ैल बन भी गई तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। फिर वह दोनों मिलकर चमेली के हाथ पकड़ लेते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो जी, आप पागल तो नहीं हो गए? मुझे इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? अरे नास मिटो, तुम्हारा नास मिटे, मुझे बांध क्यों रहे हो? अरे मर गई रे। फिर वह दोनों मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, चमेली चुड़ैल बन जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ए कांचा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे बांधेगा?
कल तो तू किसी तरह बच गया था, आज तेरा खून पीकर ही रहूंगी। गोपाल भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी भाभी रात होते ही चुड़ैल बन जाती है। अब क्या करें भाई, जल्दी से कुछ सोचो, ये रस्सियाँ इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। भाई, इसे तो सिर्फ भैरव तांत्रिक ही काबू कर सकता है। तुम रुको, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। फिर गोपाल भागता हुआ जाता है और उस तांत्रिक के ठिकाने पर पहुँच जाता है। फिर वहाँ पहुँच कर वह पूरी बात उस तांत्रिक को बताता है। फिर वह दोनों कांचा के घर की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें घर के बाहर ही उस चुड़ैल की बहुत तेज तेज आवाजें आ रही होती हैं। फिर वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा, देखो ना मेरी बीवी को क्या हो गया है, कृपा करके इसे ठीक कर दो ना। अ चुड़ैल, कौन है तू? तू कहाँ से आई है? तेरी इतनी हिम्मत इन भोले भाले लोगों को परेशान करती है। अभी के अभी इसका शरीर छोड़ के यहाँ से चली जा। ए मूर्ख तांत्रिक, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो आजाद होते ही सबसे पहले तुझे ही मारूंगी, समझ गया ना? जल्दी यहाँ से चला जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ओम ब्रीम क्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम क्रीम स्वाहा। ले, अब मेरी शक्तियों का जलवा देख। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़कर राख उस चुड़ैल पर फेंकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। चुड़ैल, ए तांत्रिक, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम ब्रीम क्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम क्रीम स्वाहा। तभी वह चुड़ैल अपने हाथ में बंधी रस्सी को तोड़ लेती है। अरे मर गए रे, ये तो खुद को आजाद करवाने ही वाली है, अगर ये आजाद हो गई तो सबसे पहले मुझे ही मारेगी। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे गांव वालों, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो, कांचा की बीवी चुड़ैल बन गई है। अरे भागो रे, अरे मर गए रे। अरे गोपाल भाई, ये तांत्रिक तो फर्जी निकला, अब क्या करें भाई? भाई, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो क्या भाई? चलो इस चुड़ैल को उठाओ, हमें इसे कहीं लेकर जाना होगा। फिर वह दोनों उस चुड़ैल को कुर्सी के साथ उठा लेते हैं और उसे लेकर चल देते हैं। ए, तुम दोनों मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ए, तुम दोनों मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वह उसे लेकर गांव में बने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही वह चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे मर गई रे, ए कमबख्तो, ये मुझे कहाँ ले आए? हाय मर गई रे, अरे मर गई रे, ए कमबख्तो, ये मुझे कहाँ ले आए? हाय मर गई रे। हनुमान जी की मूर्ति को अपने सामने देखकर चुड़ैल डर जाती है और तड़पने लगती है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी इसका शरीर छोड़कर चली जाती हूँ। हे भगवान, मेरी जान बख्श दो। तभी वह चुड़ैल चमेली का शरीर छोड़ देती है और बाहर निकलते ही वहाँ से भाग जाती है। अरे चमेली, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था जी,
और आप मुझे इतनी रात गए यहाँ क्यों लाए हैं? कुछ नहीं प्रियतम, अब सब ठीक है, चलो अब घर चलते हैं।